दोस्तों, मैं जो खा रहा तो ये मखाना है। ये जो फल है मखाना है। और दोस्तों, मखाना ये जो रखे हैं सफ़ेद मखाना, दोस्तों ये मखाना एक छोटा सा फल है, लेकिन इसमें गुड़ बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, मैं इसके गुणों का वर्णन करता हूँ। ये मखाना आपके जीवन में तमाम रोगों से आपको सुरक्षा देता है, मुक्ति देता है और हेल्थ में सुधार करता है। इसके पहले मैं मखाना के बारे में बताऊं, मैं आपका स्वागत करता हूं हरिनाम सिंह सयाना चैनल की तरफ से। और दोस्तों, हरिनाम सिंह सयाना चैनल की तरफ से इस चैनल में मैं आपको खाने पीने की वस्तुओं से, खाने पीने की चीज़ों से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यह मेरा उद्देश्य है कि सब लोग तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमारा भारत देश स्वस्थ देश बने, बीमारियों से छुटकारा मिले। तो दोस्तों, अगर आप सुबह सोकर के उठते हैं और 6-7 मखाना के फल लेते हैं और सुबह बासे मुँह इनको खाते हैं और खा करके आप पानी पी लीजिए, सुबह बासे मुँह मखाना खाने से डायबिटीज वाले मरीजों को बहुत लाभ होता है। अगर आपको डायबिटीज की शिकायत है तो सुबह सोते करके जब उठते हैं, कुल्ला करिए, बासे मुँह 6-7 फल मखाना के ले लीजिए और खा लीजिए और पानी पी लीजिए, तो डायबिटीज में बहुत फायदा करेगा और डायबिटीज मरीजों के लिए तो रामबाण साबित होगा। और दोस्तों, मखाना का दूसरा लाभ है, दूसरा लाभ मखाना दिल के मरीजों के लिए है। अगर दिल के जो मरीज हैं या दिल संबंधी जिन्हें बीमारी है, उन्हें मखाना का सेवन डेली करना चाहिए। मखाना का सेवन करने से उनके दिल को आराम पहुंचता है, दिल मजबूत होता है, स्टेट नहीं होता, स्टेट में भी लाभ है। और दोस्तों, इसके बाद जिन्हें किडनी की शिकायत है, किडनी के मरीजों के लिए भी मखाना बहुत लाभदायक है। अगर आप मखाना खाएंगे तो किडनी के बीमारी में, किडनी के रोग में आपको लाभ होगा, पाचन शक्ति भी बढ़ाता है। मखाना अगर खाते हैं तो आपकी पाचन शक्ति मजबूत बनती है। पाचन शक्ति की संबंधी जितनी बीमारियां हैं, जितनी तकलीफें हैं, दूर होंगी। और दोस्तों, मखाना खाने से जोड़ों का दर्द भी दूर होता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो आपको मखाना का सेवन शुरू कर देना चाहिए। और दोस्तों, मखाना खाने से और तमाम रोगों को, तमाम तकलीफों को, तमाम बीमारियों में मखाना आपको लाभ पहुंचाता है। और दोस्तों, एक मैं बात बताऊं, मखाना में एक ऐसा तत्व पाया जाता है, एक ऐसा गुण पाया जाता है कि अगर आप मखाना खाते हैं तो आपके चेहरे में झुर्रियां नहीं बनेंगी। मखाना में एक ऐसा तत्व है जो झुर्रियाँ बनने से रोकता है। तो अगर आप मखाना खाते हैं डेली रेगुलर, तो आपके चेहरे में झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। और मखाना खाने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके चेहरे में चमक बनी रहेगी, रौनक बनी रहेगी और चेहरा अलग ही सुंदर दिखेगा। तो दोस्तों, मखाना डेली रेगुलर 10-12 फल ले लीजिए, खाइए और खाकर पानी पी लीजिए या दूध पी लीजिए, तो मखाना खाने से आपको बहुत फायदा है। ये छोटा सा फल है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर आप पाव भर मखाना खरीद लें तो पूरे महीना चलेगा। डेली 10-12 या 6-7 फल खाने हैं। और दोस्तों,
मखाना का सबसे अच्छा उपयोग उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर हो गई है, उनके दांत निकल गए हैं या बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, अच्छे ढंग से रोटी चावल नहीं खा पाते हैं और भी खाने में तकलीफ है, तो उनको सुबह जितनी उनकी खुराक है एक टाइम की, तो चाहे पाव भर दूध ले लें चाहे आधा किलो दूध ले लें, और उसमें जो है ना 50 ग्राम या 100 ग्राम मखाना दूध में पका लें, और जब दूध पक जाएगा तो मखाना भी पक जाएगा। अगर आपको मीठा चाहिए तो थोड़ा गुड़ डाल लीजिए, तो ये मखाना की खीर बन जाएगी। और ये मखाना की खीर आप सुबह खा लीजिए और बाद में भी खा सकते हैं, जिनके दांतों की तकलीफ है तो मखाना की खीर खाने से पूरे दिन भर का शरीर को लगने वाली विटामिन्स मिनरल सब मिल जाएंगे। तो आपके जब दांत नहीं हैं तब भी आपका शरीर स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, और आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी शरीर की कार्य क्षमता कम नहीं होगी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। तो दोस्तों मखाना एक छोटा सा फल है, इसे खाते रहिए और सबको बताइए, और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबको हमारी वीडियो दिखाएं। हम जो बता रहे हैं ये आप दूसरों को बताएं, जिससे लोग खाने पीने की चीज़ों से तंदुरुस्त रहें और बीमार ना हों, और उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहे, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहे, और शरीर के अंग जैसे दिल है, किडनी है, जोड़ों का दर्द है, तमाम शरीर के जो अंग हैं वो मजबूत रहें और आप स्वस्थ रह करके लंबी उम्र जिएं। हमारे चैनल का एक नारा है कि स्वस्थ रह करके 100 साल जियो, यही हमारा आयुर्वेद भी कहता है। तो दोस्तों स्वस्थ रहो और चंगे रहो और खुश रहो। दोस्तों हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।